आपके बाईं ओर सांप, आपके दाईं ओर भी सांप, आपके पीछे विशाल कॉकरोचों का झुंड और आपके सामने खुला समुद्र। इस आइलैंड पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और यहां से जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन। ये है पैरेलल फैक्ट और आप देख रहे हैं हाउ टू सर्वाइव स्नेक आइलैंड। ब्राजील के तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर साओ पोलो राज्य के पास एक जगह इतनी खतरनाक है कि यहां विजिटर्स यानी पर्यटकों को आना सख्त मना है। इल्हा द क्विमादा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, ये केवल 43,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैला है, लेकिन यह बहुत सारे खतरों का घर है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ प्रति स्क्वायर मीटर में एक सांप है और उनमें से लगभग 4,000 गोल्डन लैंसेट पिट वाइपर्स हैं, जो कि दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी भी इस जगह से डरते हैं और वे इस आइलैंड पर जाने वाले लोगों की कहानी बताते हैं जो जाकर कभी वापस नहीं लौटे। गोल्डन लैंसेट पिट वाइपर का जहर कितना खतरनाक है, इस आइलैंड पर कौन कौन से जीव हैं और समुद्री डाकू भी समस्या क्यों हो सकते हैं। जब तक आपके पास इस अकेले खड़े लाइट हाउस को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं है, तब तक आपके पास इस आइलैंड पर जाने का कोई ठोस कारण नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तरह इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो आप यहां से जिंदा कैसे निकलोगे। स्टेप 1, अपनी नाव ध्यान से चलाओ। अगर आप इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप इस आइलैंड से अपनी दूरी बनाए रखें। स्नेक आइलैंड चट्टानों से घिरा हुआ है, इसलिए इसके आसपास नाव चलाना खतरनाक है, यह आपकी नाव को तोड़ सकता है। फरवरी 2019 के अंत में 6 आदमियों के साथ एक छोटी नाव तूफान में फंस गई। यह स्नेक आइलैंड के पास ही डूबने लगी। यह जानते हुए कि वे किस आइलैंड के पास हैं, उनमें से 4 लोगों ने तैरकर आइलैंड पर जाने की सोची, जबकि बाकी के 2 लोग अपनी नाव पर ही रहकर मरने का सोचा। चारों लोग 3 दिनों तक आइलैंड पर फंसे रहे। वे जंगल में प्रवेश किए बिना समुद्र तट पर ही रहे। 3 दिनों तक उन्होंने बारिश का पानी पिया और जंगल के किनारे पर मिले केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाए। फिर उन्होंने एक नाव को आइलैंड के पास आते देखा और वे जल्दी से नाव की तरफ तैरने लगे। फिर नाव पर सवार लोगों ने उन्हें बचा लिया और चारों को नजदीकी इमरजेंसी रूम में भेज दिया। स्टेप 2, तिलचट्टों से सावधान रहे। स्नेक आइलैंड पर सिर्फ घातक वाइपर ही एकमात्र खतरा नहीं है, कई बिना जहर वाले सांप, विशाल तिलचट्टे और टिड्डियां हैं जो पूरे आइलैंड को कवर करते हैं। यदि आप स्नेक आइलैंड पर कहीं भी हैं तो आपको नियमित रूप से इन छोटे क्रिएटर्स की जांच करनी चाहिए और उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर यदि आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो वे आपको भूखे मरने से बचा सकते हैं। तिलचट्टे खाने के लिए सुरक्षित हैं और ये प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। स्टेप 3, सांपों से निपटें। यदि आप इस आइलैंड पर फंस गए हैं तो आपको सांपों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले एक डंडा खोजने की कोशिश करें, यह आपको सांपों से लड़ने में मदद करेगा और उन्हें आपको काटने से रोकेगा। और अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो आने वाली समस्या के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आइलैंड पर गोल्डन लैंसेट पिट वाइपर्स प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं, इसलिए उनमें एक ऐसा विष विकसित हुआ है जो सामान्य लैंसेट वाइपर के विष की तुलना में 5 गुना अधिक मजबूत है। इस शक्तिशाली जहर के प्रभाव से आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और आपकी आंतों में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और इन सब के साथ साथ आपको कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ये जहर आपके मसल्स के टिश्यू को तोड़ना शुरू कर देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी त्वचा पिघल रही हो। अपनी अंगूठियां, घड़ी और ब्रेसलेट उतार दें, क्योंकि अगर हाथ में सूजन आ गया तो उन्हें उतारना वाकई मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास EpiPen है तो इसका इस्तेमाल करके एनाफाइलेक्सिस के लक्षणों का इलाज करें, जैसे चेहरा, मुंह या गले में सूजन या सांस लेने में तकलीफ। आपके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने के लिए मेडिकल हेल्प की जरूरत है, जिसके बारे में हम अगले स्टेप में बात करेंगे। स्टेप 4, केवल बायोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को ही इस आइलैंड पर जाने की अनुमति है। वे गोल्डन लैंसेट वाइपर का अध्ययन करते हैं और ब्राजील की नेवी साल में एक बार लाइट हाउस को ठीक करने के लिए यहां जाती है। गवर्नमेंट का निर्देश है कि आइलैंड का दौरा करने वाली प्रत्येक टीम में एक डॉक्टर का होना बहुत आवश्यक है। अगर एक गोल्डन लैंसेट वाइपर आपको काटता है तो आपके मरने की 7% संभावना है। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने से 7% संभावना को 3% तक कम किया जा सकता है। स्टेप 5, समुद्री लुटेरों से सावधान रहें। आइलैंड पर खतरनाक सांपों के बावजूद वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स, जिन्हें बायो पायरेट्स भी कहा जाता है, वे सांपों को पकड़ने और बेचने के लिए बार बार यहां आते रहते हैं।
इलीगल मार्केट में एक गोल्डन लैंसेट पिट वाइपर की कीमत लगभग $10,000 से $30,000 है और यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां गोल्डन लैंसेट वाइपर मौजूद हैं। इंटरनेशनल यूनियन की ओर से इस सांप को विलुप्त होने की कगार पर बताया गया है और इसे रेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो आप स्नेक आइलैंड से जीवित बच गए, लेकिन यह दक्षिण अमेरिका के आसपास एकमात्र खतरनाक जगह नहीं है। आप इन रक्त चूसने वाली मछलियों से घिरे अमेजन के जंगलों में भी मर सकते हैं और यदि आप सावधान न हो तो वे तैर कर आपके मूत्र मार्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्हें कैसे रोका जाए? जानने के लिए देखते रहें।